₹30 का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को नहीं कर सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की सरकार। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपए का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बचा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को नहीं कर सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की सरकार की इसमें जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, मां हम छोटी नहीं है, बाकी का जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच रही है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से? क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं? अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैं हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाऊं? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो? जब वोट लेने आते